ये कल से पहला टोल है जिसको देने में मेरे को दुख हो रहा है, क्योंकि सफर कैसा है ये सफर मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज है मेरी ट्रिप का दूसरा दिन। मैं जा रहा हूँ उदयपुर से भुज, जो अभी डिस्टेंस मेरे को जीपीएस आंटी दिखा रही है वो है 555 किलोमीटर 9 घंटे 51 मिनट। मेरा ईटी आ रहा है 2:20 का, जो 4 बजे तो हो जाएगा इजीली। और राइट नाउ टाइम हो रहा है 4:30 हो चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इस जर्नी को। ओके, ये है कल का टोटल डिस्टेंस जो मैंने दिल्ली से उदयपुर तक अभी तक मैंने कवर किया है। और ये है जो मैंने नीमराना वाला सीएनजी स्टेशन था वहाँ से जो सीएनजी भरवाई थी, उसके बाद होटल तक का। तो इसको करते हैं 0। ओके, अब करते हैं स्टार्ट आज की इस जर्नी को। उदयपुर से निकल के मैं हाईवे पे आ चुका हूँ। ये है NH27। कल जब मैं उदयपुर आ रहा था तो मेरे को ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं हुई, मेरे को पता था ऑलरेडी, मैं रूट कर चुका हूँ तो मेरे को आइडिया था रोड का। अब मैं पहली बार भुज जा रहा हूँ तो मेरे को इतना आइडिया नहीं है रोड का, तो मैंने मैप लगा रखा है तो कहाँ पे कर्व आ रहा है तो मेरे को मैप के थ्रू पता चल जाता है। और आप पीछे की तरफ देख सकते हो, अभी मेरे को कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है पीछे से। आप देख सकते हो, मैं आपको अभी दोनों रियर मिरर्स दिखा रहा हूँ। अब सामने से कोई गाड़ी आ रही है, मस्त हाईवे है ये, कोई दिक्कत नहीं है आराम से। मेरे को हाई बीम्स की कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि साइड में पेड़ है पूरे, तो अगर सामने से कोई ट्रैफिक आता है तो उसकी हाई बीम मेरे को आँखों में नहीं लग रही है। रात में कुछ पता नहीं चल रहा है, ऐसा लग रहा है खाली सिंपल रोड है, रोड के आसपास कुछ नहीं है, अंधेरा है। बट अगर मैं यहाँ पे दिन में आता हूँ तो मैं मैप में देख सकता हूँ, मतलब उदयपुर आपको पता है अरावली हिल्स है पूरी, तो आपको यहाँ पे बहुत ही हरियाली देखने को मिलती मेरे को दिन में। अब रात में कुछ भी पता नहीं चल रहा, बस सीधी सीधी काली काली मेरे को रोड नज़र आ रही है। आज के दिन का पहला टोल कहाँ लगाऊं, यहाँ लगाएंगे। थैंक यू भैया। ड्राइव कर चुका हूँ सुबह से, और ये पहली गाड़ी अब जा रही है, क्रॉस कर रही है वैन इको, जो मतलब इधर जैसे जा रही है। सुबह से मेरे को कोई गाड़ी नहीं मिली, सिर्फ सारे के सारे ट्रक्स मिल रहे थे। मैंने गोप्रो से जस्ट अभी एक नाइट टाइम लैप्स शूट किया है, दिखाता हूँ मैं आपको। अभी जो आपने टाइम लैप्स देखा वो इतना अच्छा नहीं आया, क्योंकि उसमें मैंने शटर स्पीड ज़्यादा कर दी थी। और अब ब्रेक लेते हैं, क्योंकि 109 किलोमीटर हो चुके हैं और आप देख सकते हो सामने कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, मतलब कोई भी ट्रैफिक नहीं है, दूर 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 तक आपको कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। NH27 पे मेरे को अभी 59 किलोमीटर और रहना, उसके बाद अबू रोड आ जाएगी, बहुत तगड़े वाला हाईवे है ये। कोई पैच ऐसा नहीं आया इस पे कि भाई आपको आपकी स्पीड कम करनी पड़े। अगर आपकी गाड़ी पे क्रूज़ कंट्रोल है, गाड़ी को 80-90 की स्पीड पे क्रूज़ कंट्रोल पे डाला और गाड़ी भागती रहेगी, दिन में थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाएगा, बट रात में और अर्ली मॉर्निंग आप देख सकते हो पीछे भी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। मैंने अपनी स्पीड 90 मेंटेन कर रखी है।
फाइनली मैंने ब्रेक ले लिया। 127-128 किलोमीटर से मैं चला रहा था। वैसे मैं ब्रेक नहीं लेता क्योंकि अभी आगे CNG स्टेशन है, मैं उसके बाद गैस भरवाने के बाद लेता, बट सडनली मेरे को सनराइज़ होता हुआ यहाँ पे दिखाई दिया। अब ड्रोन है मेरे पास तो आपको मस्त शॉट्स दिखाते हैं। होप आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। ड्रोन के चक्कर में काफ़ी लंबा ब्रेक हो जाता है क्योंकि एक बार उसको फ्लाई करके फिर वापस लैंड करवा के हैक करो, फिर वापस मैंने ड्रोन शॉट्स वगैरह लिए हैं। मैं पता नहीं किस टाइम यहाँ पे आके रुका था, बट अभी राइट नाउ टाइम हो गया है 7:15 हो गए हैं। काफ़ी लंबा ज़्यादा ब्रेक हो गया है। अभी 16-17 किलोमीटर के अंदर CNG पंप आएगा, वहाँ से CNG भरवा के आगे 100-150 किलोमीटर लंबा खींचेंगे। तो चलो आगे चलते हैं। अभी ये जो मैंने ब्रेक लिया, इस ब्रेक के पहले के रोड के नज़ारे और बाद के नज़ारे एकदम बदल गए हैं। पहले से ट्रक नज़र आ रहे थे, अब मेरे को बाइक, लोग नज़र आ रहे हैं, गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, तो देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा है एकदम से। पेट्रोल पंप तो आ गया, इसी पे CNG भी है, अब देखते हैं चालू है कि नहीं है। उम्मीद तो लग रही है कि चालू है, देख सकते हो लिखा हुआ CNG। नहीं है? ओके, बस ये अभी सिर्फ दिखाने के लिए लगे हुए हैं, कोई प्रेशर वगैरह कुछ नहीं आ रहा इन पे। ओके, भैया ने मना कर दी, यहाँ पे भी अभी CNG मेरे को नहीं मिली। अब आगे वाले पे देखेंगे, अभी मैंने बहुत सारे मार्क कर रखे हैं। राजस्थान की ये जो रोड्स है ना, एक नंबर रोड्स है, आप इन रोड्स पे कभी बोर नहीं हो सकते मेरी तरह। मेरे को इतना मजा आ रहा ना, कल दिल्ली से मैं उदयपुर आया और आज उदयपुर से मैं भुज जा रहा हूँ, अकेले ट्रैवल कर रहा हूँ, बट अभी तक मेरे को एक बार बोरियत फील नहीं हुई है क्योंकि रोड्स इतनी अच्छी है ना कि गाड़ी चले जा रही है, चल रही है आराम से 70-80 पे चल रही है, गाने चल रहे हैं, मेरी पेन ड्राइव में मैंने गाने भर रखे हैं, वो कंटिन्यूस बज रहे हैं, तो बड़ा मजा आ रहा है गाड़ी चलाने में। अगर आप फैमिली के साथ हो, सोलो ट्रैवल कर रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी बोरियत फील नहीं होगी इन रोड्स पे। आज मैं अभी तो मैं राजस्थान में ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी मैं गुजरात जाऊँगा, फिर मैं MP भी जाऊँगा, फिर मैं महाराष्ट्र जाऊँगा, तो एक कंपैरिजन भी हो जाएगा कि भाई कौन से स्टेट की जो रोड्स हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। अभी जो आपने क्लिप देखी उसके लिए मैंने 3-4 टेक लिए, तब जाके मेरे को फाइनल शॉट मिला। अगर मैं थोड़ी देर और रीटेक करता रहता तो मैं आप लोगों से झूठ बोलता ही राजस्थान की रोड्स, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैं एंटर कर गया गुजरात में। राइट नाउ मैं गुजरात में, वहाँ पे आप देख सकते हो RTO चेक पोस्ट गुजरात, वहाँ पे भी लिख रहा है गुजरात। सो फाइनली मैं गुजरात में एंटर कर गया, और गुजरात में नॉर्मली एंटर कर गया, कोई रिपोर्ट वगैरह कोई दिक्कत नहीं हुई है। मुझे लग रहा था शायद कुछ चेकिंग वगैरह होगी, कोई चेकिंग भी नहीं हुई, पुलिस वाले थे, गार्ड वगैरह वहाँ पे थे बॉर्डर पे, बट नॉर्मली एंट्री हो गई। अब बढ़ते हैं आगे गुजरात में भुज की तरफ, और एक बार इंडिया का मैप ओपन करके देखते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ तो वहाँ पे वो ब्लू कलर का आता ना गूगल मैप पे, अब मैं उसको मैं यहाँ पे साइड में स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ अभी की लोकेशन का, तो देखने में बड़ा मजा आता है दिल्ली से मैं इतना दूर आ गया हूँ। थोड़ा
थोड़ा मेरे को रॉन्ग साइड आना पड़ गया सीएनजी पंप पे, क्योंकि जो मैंने सीएनजी पंप मार्क कर रखा था वो आगे की साइड था और यहाँ पे एकदम से सीएनजी पंप आ गया और गाड़ी 90-80 पे चल रही होती है स्पीड पे, तो एकदम से भी तो मैं नहीं रोक के एकदम इधर कट कट कर सकता था, तो इसलिए थोड़ा आगे से लेके आया हूँ। और इन्होंने कोई बोर्ड भी नहीं लगा रखा था कि भाई सीएनजी पंप आने वाला है, एकदम से आ गया। तो बस पेट्रोल पंप का साइन था, पीछे पेट्रोल पंप है, उसके जस्ट बगल में यहाँ पे सीएनजी पंप है। चलो कोई नहीं, भरवाते हैं फिर यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। भरवाली सीएनजी 7 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा आई है, 427 रुपये की, और यहाँ पे जो सीएनजी का जो प्राइस था वो था 58 रुपीज़। और यहाँ पे पेटीएम से भी आप पेमेंट कर सकते हो, भैया के पास पेटीएम था। और उदयपुर से 130-140 किलोमीटर के बाद आपको सीएनजी स्टेशन मिल जाएंगे। कुछ स्टेशन जो होंगे वो पेट्रोल पंप पे होंगे और कुछ स्टेशन जो है डेडिकेटेड होंगे, जैसे दिल्ली में आईजल वाले होते हैं। तो अच्छा है, सीएनजी धीरे धीरे हर जगह उपलब्ध हो रही है। अगर आपके पास सीएनजी वाली गाड़ी है और अगर आप इस रूट से आने की सोच रहे हो कि आपको सीएनजी स्टेशंस मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, आपको उदयपुर में भी 3-4 मिलेंगे और इस रूट पे भी आपको इजीली मिल जाएंगे। जस्ट अभी मैंने एक टोल प्लाजा और क्रॉस किया है, और ये जो रूट है उदयपुर से भुज वाला, इस रूट पे कितने टोल प्लाजा पड़ने वाले हैं, कौन सा टोल प्लाजा कितने रुपए का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अभी मैंने पालनपुर क्रॉस किया है, और पालनपुर में मैं जैसे ही अंदर आया, मुझे तब जो वहाँ पे जो भी चीज़ें लिखी हुई थी गुजराती में लिखी हुई थी, तो उसको देख के मुझे तब फील हुआ कि हाँ भाई मैं गुजरात में आ गया हूँ। और अब मेरी गाड़ी बाकी गाड़ियों से अलग नज़र आएगी, क्योंकि मेरी गाड़ी है डीएल और यहाँ की सारी गाड़ियाँ होंगी गुजरात नंबर की। दोबारा से मैंने आज सीएनजी भरवाई है अभी, क्योंकि मेरे को रास्ते में मिल गया सीएनजी पंप। और जो मेरी पहले वाली सीएनजी थी ये जस्ट ख़त्म होती भुज पहुंचने से पहले, मतलब 30-40 किलोमीटर पहले ख़त्म हो जाती, मेरे को यहाँ पे मिल गया रास्ते में, तो मैंने भरवा ली। अब आगे बढ़ते हैं, अभी डिस्टेंस 300 किलोमीटर रह गया एग्जैक्ट। फाइनली मैंने ब्रेक ले लिया है, और लास्ट के 50-60 किलोमीटर में रोड बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। जितना राजस्थान में और जब मैं गुजरात में एंटर हुआ था उस टाइम पे रोड काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, उस टाइम मेरी जो स्पीड होती थी वो होती थी 90-80 किलोमीटर के मैं वेरी करती थी, और अब मेरी जो स्पीड है वो 50-60 वेरी कर रही है, क्योंकि पैचेस इतने ख़राब आ जाते हैं कि गड्ढों में से निकालनी पड़ती है, और कभी कभी स्पीड में गाड़ी होती है और कोई कोई गड्ढा एकदम अचानक से आता तो उस गड्ढे में गाड़ी चली जाती है, तो बड़ी देख के गाड़ी चलानी पड़ती है। और ये जो मैं आपको पूरा बता रहा हूँ ये ऑलमोस्ट 3 टोल प्लाजा के बीच की बता रहा हूँ मैं, मतलब रोड्स काफ़ी ज़्यादा बेकार हो, मतलब बेकार नहीं है, पहली वाली जो जितनी रोड थी ना उसके कंपैरिजन में अब रोड बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है। और राइट नाउ टाइम हो गया है 11 बज चुके हैं, मेरे को अपना होटल भी बुक करना है, और अभी जो मेरा डिस्टेंस बाकी है वो है 230 किलोमीटर के करीब बच रहा है, शाम को 4-4:30 बजे तक मैं आराम से पहुँच जाऊँगा। कल से पहला टोल है जिसको देने में मेरे को दुख हो रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से पीछे रोड थी उसके अकॉर्डिंग ये वाला पहला टोल है जिसको भाई मेरा मन नहीं कर रहा, सच में बता रहा हूँ मैं, बट क्या करें, देना तो पड़ेगा ही। पता नहीं कितना आपको कैमरे में पता चल रहा है, बट सामने ब्रेजा चल रही है, वो तक नहीं पहुँच पा रही मेरी वैगनर कहाँ से पहुँच। अब ये वाला गड्ढा देखना, अब वहाँ पे भी आप देखो सारे ट्रक्स कितनी दूर उड़ा रहे हैं,
ऐसे ही थोड़ी मैं बुराई कर रहा था इस रोड की भाई, जिस रोड की तारीफ करनी बनती है उसकी मैंने तारीफ करी है, और जिस रोड की भाई बुराई करनी है उसकी मैंने बुराई भी करी है। अब यहाँ पे देखो रोड की कंडीशन, बाहर से दिखाऊंगा आपको, बाहर से दिखाता हूँ। देख लिया कैसी गंदी हालत हो रखी है रोड की, गंदी नहीं खराब। गुजरात पुलिस चेक पोस्ट, लास्ट 85 किलोमीटर, और ये जो 85 किलोमीटर है ये है मेरे होटल का जो डिस्टेंस है वो है, मैंने अपना होटल भी बुक कर दिया है तो मैंने जीपीएस पे अपनी लोकेशन लगा दी है, और वापस से अच्छा हाईवे स्टार्ट हो गया है, गाड़ी आराम से 80-90 पे आराम से मैं चला सकता हूँ। तो अब जल्दी से ये जो लास्ट का डिस्टेंस रह गया इसको कवर करते हैं, और ये जो हाईवे है ये है NH-41 एज पर द GPS। ये हाईवे कम मेरे को एक्सप्रेसवे ज़्यादा लग रहा है, अपनी वाली लेन मेरे को। ये हाईवे तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, वैसे मेरे को थोड़ा सा भी अच्छा हाईवे मिलेगा ना इस टाइम पे मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं एकदम खटारा रोड से होके आ रहा हूँ ना अभी, इसलिए ओके वो वाला हाईवे मैंने लेफ्ट कर दिया। अब ये है NH-341, अब इस पे मेरे को रहना है 34 किलोमीटर और। CNG ख़त्म हो गई, 308 की एवरेज आई थी, और ये एवरेज थोड़ी और ज़्यादा भी आ सकती थी, बट एक तो वहाँ पर वो जो रोड ख़राब थी उस चक्कर में एवरेज डाउन हो गई, प्लस अभी मैंने थोड़ी देर पहले AC भी ऑन किया था तो उस कारण थोड़ी सी एवरेज डाउन हो गई है, और बीच में मेरे को CNG पंप मिले थे दो, बट अब मैं उस हालत में नहीं हूँ कि मैं दोबारा से अभी CNG भरवाऊँ। अब पहले होटल पहुँचना जल्दी से, अब डिस्टेंस रह गया 4.1 किलोमीटर का। हम पहुंच गए अपने होटल, ये था हमारा होटल, अब मैं आगे से आना यूटर्न मार के, यूटर्न। पहुंच गए अपने होटल, ये अपना होटल है ये रहा। ओके पहुंच गया रूम में, अब देते हैं आप लोगों को रूम टूर। ये अपना मेन डोर, यहाँ पे स्पेस, ये अपना बेड, यहाँ पे टीवी, ये पूरा स्पेस है यहाँ पे, और ये अपना वॉशरूम, ये वाला रूम उदयपुर से बड़ा है, यहाँ पे अपना AC, और वहाँ पे खड़ी है मेरी गाड़ी, ऑन रोड होटल है ये, आराम से सेफ खड़ी है पार्किंग में, और इस साइड पेट्रोल पंप है और CNG पंप है, यहीं से भरवा के आराम से निकल जाऊँगा जब जाऊँगा यहाँ से। ओके तो बस इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, दो दिन ट्रैवल करने के बाद में मैं फाइनली पहुंच गया भुज। भुज मेरी पहली डेस्टिनेशन होने वाली है जिसको मैं एक्सप्लोर करूंगा कल। सबसे पहले मैं जाऊंगा रन, उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए, मेरे को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है इस टाइम पर, तो अभी एक्साइटमेंट को अभी कंट्रोल करते हैं, वो कल के लिए बचा के रखते हैं। तो यहीं पर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में।